से दुआ लग दे सर को, हम तो इतने वक्त बना रखे हूँ, जिसने देगा उतने भगवान ही इनको भलाई करेगा, हम तो से यही खुल रहा है। सर ने कहा थी भगवान ऊपर वाले बहुत मदद करेगा, मदद भगवान। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशाहिद खान आपका दोस्त। जैसे कि आप तमाम मेरी वीडियो में देखते हैं कि मैं कुछ जो अल्लाह मुझसे मदद कराता है मैं करता हूँ जाके, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली इलाके में गए थे। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है एक, और उसमें एक एक विंग्स है, एक एक उनका पार्ट है कैंसर डिपार्टमेंट। हम वहाँ गए थे तो गार्ड ने, जो सुरक्षाकर्मी है, हमें वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया मदद के लिए। हम अंदर नहीं जा पाए, फिर हम वहाँ से दूसरा जो उनकी रहने की, जो मरीज होते हैं उनके रहने की जो रहायश की जगह है, धर्मशाला है, वहाँ गए। वहाँ भी हमको अंदर एंट्री नहीं होने दी। बड़ा अफसोस की बात होती है कि हम जो अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर गार्ड या कोई भी, मैं मानता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन एक दिल में एक दुख हुआ कि मैं एक अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ, ना जाने कितने लोगों की मदद हो सकती थी, लेकिन गार्ड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। कुछ सुरक्षा कारणों से या कुछ भी हो सकता है, उनकी पॉलिसी हो सकती है। फिर हमने एक छोटी सी कोशिश की, जितने लोग वहाँ थे, जो जिनके साथ में कैंसर पेशेंट थे, उनके जो जिम्मेदार थे, हम उन तमाम लोगों को हमने बाहर बुलाया, और जो हमसे हो सकता थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो मदद हमने उनको दी। और हमने देखा कि उनके एक चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है, क्योंकि वो खुशी पैसे की नहीं है। पैसा हमने इतना नहीं दिया, इतना मोटा अमाउंट नहीं दिया, लेकिन खुशी इसलिए है कि एक अनजान व्यक्ति जो किसी को नहीं जानता, जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन वो आके उनकी हालचाल पूछ रहा है, उनसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तसल्ली दे रहा है। तो एक खुशी उनको महसूस हुई, और उन लोगों ने मुझे, हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को बहुत दुआएं दी। किसी को दुआ लग जाए और क्या, किसी को दुआ लग जाए सर को, हम तो इतने बात पढ़ा रखे हूँ, जिसने देगा उतने भगवान ही इनको भलाई करेगा, हम तो से यही खुल रहा है, बस खुशी तो भगवान बहुत मदद करेगा करेगा, जो इनने मदद कर रहा है इनको बहुत मदद करते हैं। सर ने कहा थी भगवान ऊपर वाले बहुत मदद करेगा, करेगा मदद भगवान। कैसे हाल चाल है आपके? बाबू जी कहाँ से आए आप? बाबू जी मैं तो यहीं से हूँ, दिल्ली से ही। बस मैं यही चाहता हूं कि ये जो सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर तमाम हज़ार मुशाहिद खड़े हों, लाख मुशाहिद खड़े हों, और इस काम को आगे बढ़ाएं, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने माशरों में, अपने अपने सोसाइटी में देखें। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जिनको आपकी बेहद ज़रूरत है। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस काम को रुकने मत देना भाई, हमेशा इस काम को, हमेशा हमेशा इस काम को आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि देने से कभी भी माल घटता नहीं है, हमेशा माल बढ़ता है। हम बेहद खुशनसीब हैं कि वो काम जो नबियों का काम था, जो आलिमों का काम था, वो अल्लाह हमसे ले रहा है। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों की मदद करो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपकी हर चीज़ में बरकत हो, आप चाहते हो कि आप सेहत आपके पास हो, तो जो ये काम है, मदद करने का काम है, लोगों की मदद करने का काम है, गरीब लोगों की मदद करने का काम, ये कभी मत रुकने देना भाई। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप एक रुपए से भी मदद कर सकते हैं, एक रुपए से आप मदद कीजिए लोगों की, किसी जानवरों की मदद कीजिए, लेकिन इस काम को कभी रुकने मत दीजिएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने अपने इलाकों में काम शुरू कीजिए, एक टीम बनाइए,
टीम वर्क कीजिए, 10 लोग इकट्ठे करके, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, 100-150 से इकट्ठे करके एक बंडल बनाइए, खाने का बंडल, और शुरुआत एक घर से कीजिए, और इंशाल्लाह वो एक घर आपका आने वाले वक्त में 10-50-100 घर हो जाएंगे। पर ये चाहते हैं कि काम कभी ना रुके। अगर बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम और लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें यूँ ही बस प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।